तो क्या बोले, अप डाउन होती रहती। थोड़ा सा रिलैक्स था लेकिन अभी फिर से ऐसा ठीक नहीं लग रहा है। नजर से पकड़ लिया है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कैसा है कि इनका हुआ सीजर का बड़ा ऑपरेशन। आप लोग ये पूछ रहे थे दीदी का नॉर्मल डिलीवरी होकर सीजर हुआ, तो दीदी का हुआ सीजर। कारण ये है कि दीदी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। हम लोग ट्राई भी किए थे नॉर्मल का, क्योंकि जा रहे सीजर होने से एक प्रॉब्लम नहीं होता है, वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम रह जाती है। मतलब उस टाइम तो आराम मिलती है लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम हमेशा रह जाती है। तो हम लोग ट्राई भी किए थे नॉर्मल का लेकिन नहीं हो पाया। और उसके बाद दीदी को भी तकलीफ बढ़ रही थी, तो वो बोले कि नहीं, अगर तकलीफ सह नहीं पाएंगे। और जीजाजी भी बोले कि नहीं, उतना तकलीफ देखने से होगा नहीं, जितना जल्दी हो सके दीदी को भी रिलीफ लगे। तो इसीलिए हम लोग सभी डिसाइड हुआ कि वो सीजर ही करेंगे। तो नॉर्मल की हमने कोशिश किया भी हमने, लेकिन जब शाम ने वो घड़ी आई तो दीदी का थोड़ा सा वो बेचारी नहीं कर पा रही थी, सह नहीं पा रही थी। तो फिर जीजाजी भी देखे कि नहीं, इनका तकलीफ और नहीं देखा जा रहा है, तो इसीलिए बोले कि नहीं छोड़ो, तकलीफ देने से नहीं होगा, हम लोग ऐसे सीजर ही करता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों का पूछ रहे थे कि ऐसे तो जीजा जी पहले से प्लान भी थे सीजर ही करेंगे। हाँ, तो हम सोच ही रहे कि ताकि तकलीफ ना हो दीदी को। वो सीजर का तो बड़ा सिस्टमेटिक काम रहता, 15 मिनट में मोकला कर देते। बाद में जब हमने उनको बोला तो आधे घंटे में उन्होंने सारा कुछ कर लिया। हाँ, आधा घंटे में बेबी बिल्कुल बाहर आ गया। हेलो फ्रेंड्स, आसबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावित्री कुमारी ऑफिशियल के बारे में, और इस वीडियो में हम खास जानेंगे कि सावित्री जी को नॉर्मल डिलीवरी हुई है फिर सीजन हुई है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सावित्री जी के लेटेस्ट व्लॉग में आप देख सकते हैं कि गणेश जी और उनके भाई सनातन बता रहे हैं कि सावित्री जी की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है बल्कि सीजन हुई है, और ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था और सावित्री जी को और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनका बेबी 3 kg का था जिसके कारण उनके पेट में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, उनको गैस बन रही है। और गणेश जी कहते हैं कि सारी दिक्कतें धीमे धीमे ठीक होंगी लेकिन अभी टाइम लगेगा। और गणेश जी ये भी कह रहे थे कि सावित्री जी की कंडीशन डिलीवरी के टाइम पे अच्छी नहीं थी, और इसलिए डॉक्टर ने कहा था कि इनका नॉर्मल नहीं हो पाएगा, और उनका बीपी भी काफ़ी हाई था, उनको ब्रीथिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी, और ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थी जिसके कारण डॉक्टर ने इनका सिजरन कर दिया। और गणेश जी आगे कहते हैं कि आजकल ऐसे 90% महिलाएँ हैं जिनका सिजरन ही होता है, और कुछ ही महिलाओं जिनका नॉर्मल होता है, क्योंकि खान पान और रहने का तरीका बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा है। और सावित्री के भाई कहते हैं लेकिन चिंता की बात नहीं है, धीमे धीमे सब नॉर्मल हो जाएगा। तो आज के बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और इसी लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार और अपना ध्यान रखें।